नमस्कार दोस्तों दोस्तों आइए देख लेते हैं बाइनरी कन्वर्जन। दोस्तों बाइनरी कन्वर्जन का एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर वो वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए दोस्तों, उस वीडियो से बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद कुछ बच्चों ने मैसेज किया और कमेंट्स किया कि सर जो पॉइंट वाला होता है जिसमें दशमलव क्लियर फ्रैक्शन वाला जो पार्ट होता है उसे कैसे करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन वाला, तो दोस्तों आ जाइए हम ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा और इसको समझने के लिए मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिए, और दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसको इसके देखने के बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि सबसे पहले आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि ये बाइनरी दी गई है, इसको किसमें बदलना है डेसिमल में और इसको हेक्साडेसिमल में और इसको ऑक्टा डेसिमल में, क्लियर। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ऑक्टा कन्वर्जन करना है हेक्सा कन्वर्जन, तो अगर ये यहाँ पर पॉइंट जब बीच में आ जाता है तो ये दोस्तों पॉइंट है, ये यहाँ पर पॉइंट है, क्लियर। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए आज के बाद कि अगर ये हमारा पॉइंट में दिया है और इसे हमें दशमलव में कन्वर्ट करना है तो देखिए हम इस साइड इसका सोल्यूशन यहाँ बता रहे हैं, ध्यान से समझिए क्या करते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर रहते हैं तो यहाँ से जब चलते हैं तो 2 के पावर 0 और 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 एंड 2 के पावर 3, और जब इस साइड से जब हम इधर की तरफ चलते हैं तो ये, और जब इधर से इस साइड दशमलव से जब हम राइट साइड की तरफ चलते हैं तो यहाँ 2 के पावर -1, 2 के पावर -2 एंड 2 के पावर -3 होता है, क्लियर। अब हम इसी चीज को लगा देते हैं, तो दोस्तों जरा यहाँ पर देख लीजिए कि ये मान लीजिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ जब चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव है पहला, जब यहाँ पर 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, 1 × 2 के पावर 0 प्लस यहाँ पर जब चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 × 2 के पावर 1 प्लस जब यहाँ पर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 2 के पावर 2 प्लस यहाँ पर चलेंगे तो ये 1 × 2 के पावर 3, देख लीजिए यहाँ पर इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा, इसमें गुणा। अब यहाँ पर ये लगा हुआ है दशमलव, तो दशमलव अभी हम हटा देते हैं, दशमलव अभी हम हटा देते हैं, पहले अपना वर्क कर ले फिर दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर ये लगा है, अब यहाँ पर प्लस, अब उस साइड को चलना है तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 × 2 के पावर -1 प्लस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 × 2 के पावर -2 और फिर यहाँ पे प्लस 1 × 2 के पावर -3, क्लियर, ये हो गया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं तो जो होगा वही हमारा आंसर। तो दोस्तों जरा ये वाला पोर्शन को देखेंगे तो इसका मान कितना है, किसी भी संख्या 1 आएगा, किसी भी संख्या पावर 0 ऑलवेज वैल्यू 1 होती है, और इस वाले पोर्शन का जो आंसर आएगा 0, और इसका जो पोर्शन आएगा ये सब प्लस में रहेगा, और इसका जो पोर्शन आएगा वो 4, और इस वाले का जो पोर्शन आएगा दोनों 4 × 2 = 8, ये हो गया। अब यहाँ पे प्लस, इसका दोस्तों आएगा तो 0 ही होगा, प्लस ये 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 × 2 = 4 × 2 = 8 हो जाएगा, क्लियर। अब जरा इसको जोड़ देंगे तो 8 × 4 = 12 और ये कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, इसको कर देंगे तो 1/4 प्लस 1/8 है। अब यहाँ पर दोस्तों 13 प्लस इसको जब ले लेंगे तो एलसीएम कितना होगा 8 होगा, तो अब यहाँ पर कर देंगे 4 × 3 = 12 यानी कि कितना हो जाएगा 3 आएगा। अब यहाँ पर 3 आएगा तो इसको जब कर देंगे तो पॉइंट में भाग जाएगा यानी कि 13.37 पॉइंट में जाएगा एंड 5, क्लियर। तो अब देखिए ये दशमलव हमने कर दिया, यही दोस्तों हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस चीज को जब डेसिमल में लिखेंगे तो ये चीज आएगी, क्लियर। ये बहुत सारे बच्चे परेशान कर रहे थे या उन्होंने क्वेश्चन बार बार कर रहे थे सर ये क्लियर नहीं होता है, जब बाइनरी दशमलव में दिया गया है तब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होगा। तो दोस्तों इस बिंदु से जब इधर चलेंगे तो 2 के पावर 0 2 के पावर 1 दूसरा क्या कर देंगे गुणा करेंगे, और जब इधर से इस तरफ चलेंगे तो इसमें क्या करेंगे उस चीज से पॉइंट वन, इधर की तरफ जब चलते हैं इंटीजर में तो क्या होता है, इसमें 0 से चलेंगे इधर और इधर चलेंगे माइनस से, क्लियर। इस चीज को दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर सभी का। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, यदि कोई बाइनरी में दिया है पॉइंट में दी है बाइनरी और डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उम्मीद करता हूं कि हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा चीज एक और देख लेते हैं,
अब इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका दोस्तों आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 13.375 और यहाँ पर 10, यही हमारा आंसर हो गया। अब जरा हम देख लेते हैं दोस्तों कि एक चीज और कंफर्म कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर ये दिया है बाइनरी, अब इसे हेक्सा बदलना है, तो दोस्तों हेक्सा में क्या करते हैं कि चार चार के जोड़े बनाते हैं, देखो कैसे इधर से जोड़े इधर की तरफ बनाते हैं और इधर से जोड़े इधर की तरफ बनाते हैं, तो इधर से जोड़ा इधर की तरफ बनाएंगे, इधर से जोड़ा इधर की तरफ बनाएंगे और इधर से जोड़ा इधर की तरफ बनाएंगे, और जोड़े कितने के बनाएंगे, चार चार के। तो दोस्तों चार चार के जोड़े में जरा देखेंगे तो इधर से एक देखेंगे तो एक जोड़ा चार का यहाँ तक बन जाएगा, और दूसरा जोड़ा अगर हमको बनाना है तो दोस्तों चार का जोड़ा बनाने के लिए किसी भी संख्या के आगे कितनी भी जीरो लगा दें, वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पर वन है, जीरो वन तो भी क्या हो जाएगा, बराबर ही होगा। तो अब जरा देखो यहाँ पे एक जीरो हम इसमें और बढ़ा दें, अब यहाँ से जब चलेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, चार का पेयर बन गया। अब दोस्तों इधर से पेयर बनाएंगे इधर की तरफ, तो पॉइंट के बाद जब चार का पेयर बनाएंगे तो कहाँ से बनेगा, यहाँ से यहाँ बनेगा, और यहाँ से जब चलेंगे तो इसके नीचे आगे हमको चार लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो हमने यहाँ पर देखिए एक जीरो अलग से बढ़ाई है चार बनाने के लिए, अब इधर कर देंगे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन वन पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो। अब देखना दोस्तों यहाँ से क्या था, हमने पीछे से एक चार का पेयर बनाया और दूसरा चार का बनाया, ये जीरो हमने क्या की है अलग से मानी है, क्यों, किसी भी के आगे लगा देंगे, तो ये चीज हमारी यहाँ पर ये लिखी हुई थी, अब हमने यहाँ से ये चीज बना ली। अब इधर को चलेंगे तो चार का पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन चार, एक यहाँ पर बनेगा और तीन जीरो लगा दीजिए तो एक दो तीन चार, क्लियर। दशमलव बिंदु के बाद कितने भी जीरो लगा दें वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोस्तों अब इसके चार चार के पेयर हैं और हम जानते हैं कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 एंड 2 के पावर 3, यानी कि 1, 2, 4, 8, हमें ये इसी में बार बार इसको सजाना है, चार चार के जोड़े बनाना है। तो जरा देखें ये वाला है तो इसको जब यहाँ पर हम लिखेंगे तो 1 यहाँ पे कितना, 0 यहाँ पे 1 1, तो 1 क्या होता है ऑन होता है और 0 दोस्तों ऑफ होता है। तो अब यहाँ पर 8 ये वैल्यू लेंगे, 8 9 10 11, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 11। अब जरा देखेंगे इसको लेंगे तो इसकी संख्या यहाँ पर क्या है, अब इसको ले लेते हैं, इधर से लिखेंगे 0 1 1 0, तो यहाँ देखेंगे 4 2 6, ये तो ऑफ है दोनों, ये 0 हो जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, तो इसका मान कितना है, 6। अब दोस्तों इसको देख लेते हैं, तो इसको जब इसमें डालेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 0 0 0 1 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। अब यहाँ पर चलेंगे तो क्या इसको कर देंगे, 1 0 0 0, तो दोस्तों कितना होगा ये, 8 ये होगा। अब जरा देखो कि हमने आपको हेक्साडेसिमल में दोस्तों पढ़ाया था कि 0 से लेकर के 9 तक तो ठीक है, लेकिन 10 जब आता है तो इसका मान होता है A, और जब 11 होता है तो इसका मान होता है B, और जब 12 होता है तो C, 13 होता है तो D, 14 होता है तो E और 15 होता है तो F, क्लियर। हेक्सा में 16 इसका होगा, बेस 16 होगा तो 15 तक चलेंगे। अब दोस्तों देखिए बी की जगह कितना रख सकते हैं, बी रख सकते हैं 11 की जगह, तो बी रख सकते हैं, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 और इस 11 की जगह क्या लिखेंगे, बी पॉइंट, ये दशमलव लगेगा, 2 और इधर कितना हो जाएगा, 8। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, हेक्सा कन्वर्जन हो गया, क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। तो क्या करना है कि जब जो पॉइंट लगा है वो इधर को चार के जोड़े बनाने हैं, चार चार के जोड़े, और पॉइंट से इधर की तरफ चार चार के जोड़े बनाने हैं, और जो नहीं है वो आगे जीरो बढ़ा लेना है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे कितनी भी जीरो लगा दे वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और दोस्तों दशमलव बिंदु के बाद भी कितनी भी जीरो लगा दे तो भी वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक हम और आपको देख लेते हैं कि जैसे अगर यहां पर लिखा हुआ है 8, तो दोस्तों इसी चीज को हम क्या करेंगे, अभी हमने चार चार के पेयर बनाए थे, अब हम तीन तीन के पेयर बनाएंगे, किसमें, ऑक्टा में। तो तीन का पेयर दोस्तों इधर को ऐसे बनेगा, इधर को ऐसे बनेगा और इधर को ऐसे बनेगा, इसके आगे क्या करेंगे, हम जीरो बढ़ा लेंगे तभी तो तीन का पेयर बनेगा, और इधर की तरफ चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इधर से तरफ तीन का पेयर होगा। अब यहाँ पर लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 1 1
0.0001 ये लिखा हुआ है। अब देखिए इधर से जब हम चलेंगे तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, तो दोस्तों तीन के जोड़े हमने बनाए, तीन के जोड़े बनाए, इसमें जोड़े बनाने के लिए एक जीरो आगे बढ़ा देंगे, वैल्यू पे मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जोड़ा बन जाएगा। अब इधर की तरफ चलेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये तीन, और ये तीन बनाने के लिए दो जीरो और बढ़ा देंगे तो भी वैल्यू के मान पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक जीरो ये माना, एक जीरो ये माना। अब वैल्यू हम जानते हैं कि दो के पावर कितना होता है, जीरो, दो के पावर वन, दो के पावर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे चलता है वैल्यू, टू के पावर एन, तो ये पहला होता है वन, ये होता है टू, ये होता है फोर। अब हमें इस तीन तीन के पेयर में सबको जोड़ कर देना है, रख देना है, इसको रखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, वन वन जीरो, दो दो चार, चार दो कितना हो जाएगा छः, और यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा वन वन, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा छः, और यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो वन इतना, तो इसका मान कितना हो जाएगा टू। क्लियर। अब इस वाले को यहाँ पर रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे जीरो वन जीरो, तो इसका मान कितना हो जाएगा दो, फिर यहाँ पर क्या रखेंगे वन जीरो जीरो, तो इसका मान कितना हो जाएगा चार, बीच में समय लगी हुई है, तो दोस्तों इसको जब वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टू सिक्स सिक्स, और ये पॉइंट लगा हुआ है टू फोर, और यहाँ पर एट, ऑक्टा में ये क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। क्लियर दोस्तों। तो अब हमने क्या सीख लिया कि बाइनरी अगर दी गई है, दशमलव में अगर कोई बाइनरी दी गई है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर दशमलव में कोई बाइनरी दी गई है तो उसको हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करना है, और उसे ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करना है। अब दोस्तों एक चीज हम और बताने वाले हैं इसमें, अब देखिएगा जो फ्रैक्शन दिया गया है उसको हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं इस टाइप से, और ये भी बच्चों ने बहुत ज्यादा पूछा था कि सर अगर डेसिमल फ्रैक्शन दिया गया है, डेसिमल फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है, डेसिमल फ्रैक्शन की वैल्यू यदि दी गई है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यदि डेसिमल फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है उसे ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दोस्तों डेसिमल की वैल्यू दी गई है उसे हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझाऊंगा। दोस्तों जैसे ये चीज लिखी हुई है 48.125, तो दोस्तों जो ये पॉइंट के पहले का जो पार्ट होता है वो इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर, ये कितना है इंटीजर, इसे क्या पढ़ेंगे इंटीजर, और दूसरा जो पार्ट है वो फ्रैक्शन पार्ट है, दूसरा क्या है ये फ्रैक्शन पार्ट है या भिन्नात्मक पार्ट है। क्लियर। अब जरा दोस्तों देखेंगे कि जो इंटीजर पार्ट होता है उसमें सदैव डिवाइड करते हैं, इंटीजर पार्ट में ऑलवेज डिवीजन करते हैं, और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसमें इनटू करते हैं। तो दो कंडीशन हो गई, इसमें दो पार्ट थे, इसमें दो पार्ट थे डेसिमल में, ये जो पॉइंट के पहले था ये इंटीजर पार्ट बोलते हैं, और दूसरा जो पॉइंट के बाद था उसे फ्रैक्शन पार्ट बोलते हैं। हमेशा इंटीजर पार्ट को डिवाइड करते हैं किससे, जिसमें निकालना होता है, और जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसमें हमेशा इंटू करते हैं जो निकालना होता है। क्लियर। तो दोस्तों जैसे हमें ये निकालना है 48.1.2 बाइनरी में, तो इसको हम क्या करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे, और इसको दो से हम क्या करेंगे इंटू करेंगे। अगर दोस्तों इसी से हमको मान लीजिए निकालना होता ऑक्टा, तो हम यहाँ पर क्या करते, आठ से डिवाइड करते और इसमें आठ से इंटू करते, इसमें आठ से डिवाइड करते, इसमें आठ से इंटू करते। मान लीजिए इसका हमको निकालना होता हेक्सा, तो दोस्तों इसको हम डिवाइड 16 से करते और इसको डिवाइड हम इंटू 16 से करते। क्लियर दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब आइए ये क्वेश्चन अगर एक भी हम आपको बता देते हैं तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए दोस्तों ध्यान से देखते हैं कि इसको भी हटा देते हैं, अभी हम किसमें कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो इस पोर्शन को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब 48 डेसिमल को यदि बाइनरी में बदलना है तो भाग विधि भी हमने आपको बताई है और ट्रिक विधि भी बताई है। तो ट्रिक विधि दोस्तों ऊपर एक वीडियो जो मैंने बनाया है पहले उसको देख लीजिए, ये सब जनरल तरीके से उसमें बता दिया गया है। ये वीडियो सिर्फ पॉइंट वाला है, डेसिमल फ्रैक्शन वाला है, क्योंकि फ्रैक्शन के बहुत बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो दोस्तों देखिए अब इसको हम क्या कर देंगे, 48 को अगर हम डिवाइड करने भी चलें, एक ही बताऊंगा ध्यान से समझिएगा, तो इसको इस पार्ट को हमेशा उस चीज से डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों 200 डिवाइड करेंगे,
तो यहां से करेंगे दो दूना चार, दो चौको आठ, बताओ कितना बचा, जीरो बचा कह रही ना, रिमाइंडर कितना बचा, जीरो, और रिमाइंडर इसका जीरो आ गया। अब हम फिर से इसको दो से भाग देंगे और दो से भाग देंगे, दो एक कम दो, दो दूना चार, तो यहाँ पर फिर से कितना बचा, जीरो, जीरो बचा। अब फिर दो से भाग देंगे तो दो छंग बारह, दोस्तों कितना बचा, जीरो, कितना रिमाइंडर बचा, जीरो पूरा कट जा रहा है। और फिर इसको हम दो से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, दो तिया छह, कितना बचा, जीरो। अब हम फिर से इसको भाग देंगे तो दो एक कम दो, कितना बचा, एक बचा, क्लियर। तो दो एक कम दो, एक बार जाएगा और एक बचा, अब आगे तो जाएगा नहीं। तो दोस्तों यहीं से इसको नोट, ये वन को भी लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, इस चीज को क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं, ये वन छोड़ते नहीं है, ये वन भी काउंट करते हैं। तो दोस्तों इस वन को जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ जो बाइनरी में होगा नीचे से ऊपर तरफ, यानी कि वन 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 वन, एक दो तीन चार जीरो, एक दो तीन चार जीरो, ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो अभी इंटीजर पार्ट को हमने कर दिया कन्वर्ट, अब दोस्तों इसी में हम डेसिमल पार्ट को कर देते हैं कन्वर्ट, क्लियर। तो डेसिमल पार्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा प्लेस की कमी है इसलिए हम इसको हटा देते हैं, क्लियर दोस्तों, इस वैल्यू को लिख के रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हमने कर दिया। चलिए कोशिश करते हैं यहीं पर हो जाए। तो देखिए इस पार्ट को ऐसे अलग से कर देता हूं, इतने में जगह है थोड़ा सा। अब हमें कितना लेना है दोस्तों, यहां पर कितना है, 0.125 है, यह है 0.125 है। अब इस पार्ट में क्या करते हैं, जिसमें निकालना होता है उससे इनटू करते हैं और कैरी को साइड में लिखते जाते हैं। तो दोस्तों इसमें इनटू किससे करेंगे, दो से इनटू करेंगे, और जब दो से हम इसमें इनटू करेंगे तो दोस्तों देखिए कितना हो जाएगा, यहीं पर लिख देता हूं, आगे भी लिख सकते हैं, पांच दुना दस की जीरो, पांच से लाई एक आएगी, और यहां पर दो दुना चार और एक कितना हो जाएगा, पांच हो जाएगा, और दो एक कम कितना हो जाएगा, दो, दो एक कम दो हो जाएगा, और कैरी बचेगी कुछ भी नहीं। तो आप बताओ तीन अंक के बाद दशमलव था, तो तीन अंक के बाद दशमलव लगा दिया, यानी कि कितना आया, जीरो, और यहाँ पर हमने ये जीरो कहाँ पर उतार दिया, यहाँ पे, जो ये जीरो था वो जीरो कहाँ चली जाती है, यहाँ पे इसके सामने। अब जरा ये जीरो हो गई, तो जीरो जब उधर चली गई तो यहाँ पर कितना बचा, पॉइंट बचा, तो ये जीरो कहाँ चली गई दोस्तों, यहाँ चली गई, तो कितना हो गया, जीरो, पॉइंट के बाद जीरो। अब इसमें फिर से हम क्या करेंगे, दो से इंटू करेंगे, अब फिर से दो से तब तक करते रहते हैं जब तक मान जीरो नहीं आ जाता या मान रिपीट नहीं करने लगता। तो दोस्तों फिर से इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पर पांच दूना दस की जीरो, मसलाई एक, और दो दूना चार, चार और एक कितना हो जाएगा, पांच, और तीन अंक के बाद क्या लगाएंगे, दशमलव, तो भी इसका कितना आया, जीरो, क्लियर दोस्तों। अब इसमें हम फिर से किससे करेंगे, दो से करेंगे, देखिए इसके पहले जो आएगा दशमलव के बाद आएगा वो यहाँ जाएगा, तो इसमें जब गुणा करेंगे तो जीरो जीरो। अब इसको देखेंगे दो से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, इसको करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, जीरो, और यहाँ पांच दुना कितना हो जाएगा, दस। अब बताओ कितने अंक के बाद दशमलव है, तीन अंक के बाद दशमलव है, तो तीन अंक के बाद दशमलव है। अब बताओ वन आ गया, तो अब इसके आगे कितना लिखा जाएगा, वन, ये कहाँ चली जाती है वैल्यू, यहाँ पे। अब बताओ इसको जो हमने हटा दिया तो क्या बचा, जीरो जीरो। अब जीरो से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस इसी चीज को हम क्या कर देते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नोट कर देते हैं। तो अब देखिए इस वाले पार्ट का तो ये हो गया, तो हमने क्या लिखा था, 48 यहाँ पर हमने लिखा था 48.125 का 5 का डेसिमल बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का जो हमारा पोर्शन था वो 110000, और यहाँ पर क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट लगा है, और 125 का दोस्तों ऊपर से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 001, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारे क्या बदल गया, बाइनरी में बदल गया, क्लियर। अब इस चीज को अगर आपको इसमें फिर से बदलना है तो मैंने अभी जस्ट इसके ऊपर पढ़ाया था, तो दोस्तों 48.125 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइनरी, क्लियर, और यहाँ पर क्या लगा रहेगा, पॉइंट लगा रहेगा, क्लियर दोस्तों, बना लीजिए। अगर इतना आपके समझ में आ गया है तो अब हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि एक और हम बता देते हैं, तो इसी चीज को फिर से कैसे करते हैं देख लीजिए। अब इसी चीज को हम फिर से करेंगे, इनटू तब तक करते हैं जब तक कि रिपीट नहीं हो जाता या संख्या का मान जीरो नहीं हो जाता। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे ये चीज दी गई है, अब इसे ऑक्टल बदलना है, तो पहले क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को 8 से दोस्तों भाग देंगे और इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, इस वाले पार्ट को 8 में इनटू
करेंगे और तब तक इंटू करेंगे जब तक मान जीरो नहीं आ जाता और पॉइंट के पहले जो संख्या आएगी वो क्या बन जाता है, रिमाइंडर बन जाता है। जैसे इसी चीज को हम एक बार और आपको दिखा देते हैं, और इसमें जब हमें हेक्सा बदलना होगा तो जो इंटीजर पार्ट है इसमें क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे और ये जो पार्ट है इसमें इंटू 16 करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वैल्यू का मान जीरो या रिपीट नहीं होने लगता। तो दोस्तों ये वाला हम एक और बाइनरी वाला बता देते हैं, ये आप हमें से कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमने कर दिया जैसे 1176565625, क्लियर 625 है। अब इस वैल्यू को डेसिमल को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए हमको बाइनरी में, क्लियर। तो अब देखिए इधर वाला पार्ट है आप कर लेंगे, इधर वाले पार्ट में दोस्तों क्या करना है, भाग देना है, इतने में भाग देना है, और ये वाला जो पोर्शन है पॉइंट वाला पोर्शन है इसमें दो से इंटू करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये भाग आप दे लेंगे, क्लियर। मैं पॉइंट वाला बता देता हूँ, तो पॉइंट वाला कितना हो जाएगा 0.6625 अगर ये लिखा हुआ है। अब इंटू इसमें क्या करेंगे, दो करेंगे और इसमें इंटू करेंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ आप लोग समझने के लिए, क्लियर कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ जब हम करेंगे तो ये कितना आएगा 1. अगर इसका गुणा करेंगे तो 1.33125 समथिंग आएगा, क्लियर। अब जरा देखो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आई है वो इधर चली जाएगी, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। अब जब 1 आएंगे तो इधर पॉइंट बचा, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 3125, ये हो गया। अब इंटू इसमें हम फिर से 2 से करेंगे और 2 से जब इंटू करेंगे तो दोस्तों फिर से देखिए कितना आ जाएगा 0. इसमें आ जाएगा 0.625 ये आएगा। अब ये उठ करके इधर चली जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो गया, क्लियर। अब इधर पॉइंट वाला पार्ट फिर से आ जाएगा 0.625, आगे 0 नहीं लगा रहा हूँ, आगे 0 आप लगा लीजिएगा क्योंकि दशमलव के बाद कितनी भी जीरो लगाते हैं वैल्यू के मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इनटू दोस्तों 2 से कर देंगे, तो जब इसको हम 2 से करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये 1.125, तो ये 1 फिर इधर चला जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं अब ये वाला पोर्शन उतारेंगे तो 0.25 × 2 से जब हम गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आगे रहेगा और इसमें से ये 0 फिर से चली जाएगी तो ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ बचा 0.5, तो 0.5 × 2 जब हम कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10, यानी कि 1.0, और ये वाला 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ अब यहाँ क्या बचा, 0। तो अब 0 को तो करेंगे नहीं और इसी चीज को हम यहाँ से क्या कर देंगे, ऊपर से नीचे मेंशन कर देंगे। तो अब इस पार्ट का मैंने सिर्फ निकालना सिखाया है दोस्तों, इस पार्ट का मतलब 6.5625 ये पॉइंट डेसिमल का हमने सिर्फ निकाला है, ये वाला आप निकाल लीजिएगा इसके आगे। तो अब यहाँ पर जब हमने रखा तो ये क्या हो जाएगा, 1, 0, 1, 0 and 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे लगी रहेगी, क्लियर। तो इसके आगे पॉइंट लगा लीजिएगा, दशमलव 1 point something का क्या हो जाएगा, ये हमारा 2, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या करना है, इसको 8 से भाग देना है और नीचे से ऊपर लिखना है, इसको 8 से तब तक भाग देते जाना है और जो पॉइंट के बाद वैल्यू आता है उसको साइड में लिखते जाना है जब तक कि वैल्यू रिपीट ना करने लगे या वैल्यू का मान शून्य ना हो जाए, क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बाइनरी एंड इसका डेसिमल कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको दिक्कत है तो इसके पहले वाला हमारा वीडियो आप जरूर देख लीजिए, कृपया करके देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक इसमें थोड़ी सी आपको समस्या होगी कि डायरेक्टली जनरल 48 को इसको हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने सब उसमें बताया हुआ है, क्लियर दोस्तों। तो अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो आप मुझे मेल कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं फिर से कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देने की। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि दोस्तों मैं इसलिए पढ़ाता हूं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाता हूं कि जो बच्चे रियल में पढ़ना चाहते हैं वह इस चीज का लाभ उठा सकें। दोस्तों आप वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और कमेंट्स करते हैं इधर उधर का, क्लियर। तो पहले आप पूरा वीडियो देखिए, और दोस्तों
यूट्यूब पे सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, संभव नहीं है, इतने बड़े वीडियो बन जाते हैं कि अपलोड नहीं हो पाते हैं दोस्तों, और मैं इतना समय आपके लिए निकालता हूं। देखिए रात के ये 10:30 बज रहे हैं लगभग जब मैं आपको शूट कर रहा हूं, आप मेरी हालत देख भी रहे होंगे। जब भी मुझे टाइम मिलता है दोस्तों मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, समय का बहुत अभाव है तो आप लोग उसमें क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो डिले हो जाता है, उसके लिए मुझे माफ करें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए जिससे उन गरीब बच्चों का भला हो सके जो बेचारे कोचिंग नहीं ले सकते। धन्यवाद दोस्तों।